पाकिस्तान में जासूसी के झूठे केस में कुलभूषण जाधव की सजा पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत से अंतरिम रोक पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी से बात की है हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी साहब। आइए इनसे जानते हैं, सर क्या एक उम्मीद की किरण देखें? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि पिटीशन जो फाइल की गई उसमें वियना कन्वेंशन की उल्लंघना बताई गई है कि भारत को अरेस्ट के बाद बताया ही नहीं गया कि कहाँ से अरेस्ट हुआ, कब अरेस्ट हुआ, और एक साल के बाद एक नोट वर्बेल में भारत को पता चला कि वो इनके कब्जे में है, और कहा यह जाता है कि वो उसको ईरान से अरेस्ट किया जहाँ पे वो बिजनेस में था, और कई एम्बेसडर्स ने भी इस बात की पुष्टि की है। उसके बाद भारत को फांसी की सजा का पता भी अखबारों से लगा। जब काउंसलर एक्सेस मांगी गई तो काउंसलर एक्सेस नहीं दी, हालांकि पाकिस्तान ने भी जो संधि है, वियना कन्वेंशन है, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसलिए उनकी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं, और जो एक फार्सिकल ट्रायल हुई जिसमें कोई क्रॉस एग्जामिनेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, तो सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बिना के ऊपर भारत का केस टिका हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि जब इसमें आगे केस बढ़ेगा और पाकिस्तान सारा रिकॉर्ड पेश करेगा तो भारत को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। सर, हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में किस तरीके की प्रोसीडिंग होती है, क्या वहाँ का सिस्टम है? वो देखेंगे कि क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। जो भी, एक तो आर्मी अदालत ने ये ट्रायल किया है, और फिर उनको भारत को एक्सेस नहीं दी गई, उनके अधिकार कैसे कि उनको बताया गया कि चार्ज क्या है, उनको मौका दिया गया गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करने का, कोई वकील दिया गया नहीं दिया गया, या ये एक इस फार्स जो है एक दिन में करके उन्होंने फांसी की सजा सुना दी है। तो इंटरनेशनल अदालत इस बात के ऊपर गौर करेगी कि रिकॉर्ड से क्या साबित होता है, और रिकॉर्ड सही है या गलत है इसके ऊपर भी बहस हो सकती है। तो उम्मीद है कि इससे, अगर एम्बेरसमेंट से बचना चाहता है पाकिस्तान, तो हो सकता है कि हम भारत की रिक्वेस्ट को कि उसको भारत को दे दिया जाए, और अगर जो भी उनके पास एविडेंस है भारत खुद स्वयं उसके खिलाफ मुकदमा चला सकता है। ये भी एक तरीका है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो जब वहां पर सुनवाई होगी उस समय तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान की ओर से पेश किए जाएंगे, उसके बाद दोनों तरफ से जीरा के बाद अदालत फैसला सुनाएगी, तो देखना होगा क्या कुछ फैसला आता है। कैमरा पर्सन निहाल सिंह गौतम के साथ गोपाल कृष्ण, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।